नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसा करो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बार गदी कंकर सतगुरु ते प्रसाद सोए वाहेगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए वाहेगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए दोहरा सिख संगत पट शस्त्र तर दर्श करन के चाहे खरे होते पहुंचे तां बदन जोत दिपताए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल दीन दुनिया दे मालक बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां च तिलक ते जंजू दे राखे साहिब नौवें पातशाह दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के आप संभू माई भाई अपने जीवन दियां कुछ कीमती घड़ियां सवास गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे हो दया निध अंतरयामी कलगीधर स्वामी नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह दशमेश पातशाह जी दी पावन पवित्र अमृतमयी इतिहास दी कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। कलगीधर स्वामी जी ने चोज बरताया है निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की प्रचंड शक्ति नूं अपने सानमुख प्रत्यक्ष कीता है और केशोदास वर्गे पंडतां दा पाज उन्हां दा पखंड सतगुरु जी ने उघेड़िया है। कलगीधर पातशाह जी महाराज जिस वक्त नैणे दे टिले ते बैठे सन उदों इत्थे मंदर नहीं सी नैणा देवी दा। इस स्थान दे बारे पिछे वेरा चुका है कि एक नैणे नाम दे जिमीदार ने यह जगह बनाई सी। कलगीधर जी ने तां स्थान वेख करके इत्थे अपने चरण पाए सन। तो साहब स्वामी कलगीधर पातशाह जी महाराज श्री आनंदपुर साहब वापस आए ने संगतां नूं दर्शन दित्ते ने
संगत विच वड्डा भारी उत्साह है। महाराज जी दे दर्शन दारे गुरसिख कर रहे ने। कलगीधर जी ने टूक मात्र श्री दसम बाणी दे अंदर खालसे दी महिमा दे संबंध में जो शब्द उच्चारण किए ने, पंडित दे रुसण दी गल महाराज जी ने लिखी है। वो पंडित केशव वो किवें रुसिया उहदा विस्थार महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी दसम बाणी दे उन्हां ही पावन पवित्र शब्दां दा विख्यान करदिआं विस्थार करके दस रहे। आओ मन और विरतियां एकागर कलगीधर जी दे पावन पवित्र चरणां विच अपणियां हाजरियां समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दोहरा सिख संगत पट शस्त्र तर दर्श करन के चाहे। कलगीधर पातशाह जी महाराज गरीबनवाज साहब जी दे दर्शन परसन लई श्री आनंदपुर साहब दियां संगतां दे हिरदयां विच बड़ा बड़ा भारी चाओ है। सतगुरु जी दे शस्त्रधारी सूरमे योधे सब महाराज जी दे दर्शन करना चाहुंदे हन, क्योंकि पिछले कुछ समय तो गुरदेव ने वड्डी भारी तप की साधना की है। सिखां नूं संगत नूं महाराज जी ने बहुता लंबे समय तक खुले दर्शन नहीं सन दिते, इस करके सारिआं दे दिलां विच सारिआं दे हिरदयां विच महाराज जी दे सूरमे अंदर संगत अंदर कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे दर्शनां दा चाओ है। खरे होते पहुंचे तहां बदन जोत दिपताए। कलगीधर पातशाह गरीबनवाज साहब जी महाराज जदों आए हन रस्ते च जिन्ने सतगुरां दे सूरमे ने शस्त्र धारी महाराज जी दे जितने त्यार बर त्यार सूरमे ने सारे रस्ते च खलो के महाराज जी दे दर्शन करन लई बड़े चाह नाल खड़े ने ते दर्शन कर रहे हन। चौपाई ताए ताए होए कर अगवाए दौड़ दौड़ के भज भज के आउंदे अगे महाराज जी दे दर्शन करन लई जदों सतगुरु जी आए ने ना श्री आनंदपुर साहब नूं महाराज जी दे शमशीर है भगौती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिस वक्त आए ने ते जिन्ने भी सिख ने जिन्ने भी सूरमे ने योधे ने भज भज के एक दूजे तो अगे वध के महाराज जी दे करन लई आउंदे हन। नमो करन को नारे उतलाए जितने भी माई भाई ने सारे सतगुरु जी दे चरणा ते नमस्कार करन लई उतावले हो के वध रहे हन। दीपत तेज के चरणन परें महाराज जी दा बड़ा भारी तेज है। सतगुरु जी दे स्वरूप ते इतना जलाल है गुरु खालसा जी के नेत्र चक के महाराज जी दे उस पावन जलाल नूं सतगुरु जी दे उस पवित्र प्रताप नूं वेख्या नहीं जांदा निगाह भर के। जे कोई निगाह उत्ते करके वेखण दा यतन भी करदा है तां उहदी निगाह फिर झुक के सतगुरां दे चरणां वल आ जांदी है। ऐसे महान तेजस्वी सतगुरां दे पवित्र चरणां नूं हर एक माई भाई हर एक गुरसिख परसना चाहुंदा अपने हत्थां नाल स्पर्श करना चाहुंदा है। दर्शे अपूरब गुर के करें सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे अज नवीन दर्शन ने, क्योंकि सिख वास्ते तां अपने गुरु दे दर्शन नेती नवे हुंदे ने खालसा जी। भावें असीं रोज़ आईए सतगुरां दे दर्शन करन लई गुरु हजूरी विच कदे ऐसा तां नहीं लगदा कि सतगुरु जी उही कल वाले पुराने ही हन। नित नवीन दर्शन मारा अपूर्व का मतलब हुंदा नवीन। कलगीधर जी का भी अज नवीन दर्शन गुरसिखां नूं प्रतीत हो रहा है। गुरदेव का एक नवा स्वरूप संगत नूं नज़र आ रहा है। उगर तौर गुर को तब देखा उगर का मतलब हुंदा बड़ा तेजस्वी महाराज जी का तौर है। सतगुरु जी का चेहरा बड़े तेज दे नाल, क्योंकि
सतगुरु जी है नहीं तप की मूर्त पूर्वला जन्म सारा तप दे विच ही गुरदेव ने बतीत किया युगां ताई हुण भी वड्डी भारी तपस्या महाराज जी ने कीती है। यह बेनती पिछे भी दास करदा रहा गुरदेव नूं तप की जरूरत नहीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं साधना की जरूरत नहीं गुरदेव पूरने साडे वास्ते पा रहे ने कि भाई जे वाहिगुरु परमेश्वर दे सरूप नूं अपने अंदर साक्षात्कार करना चाहुंदे हो तां उहदे लई साधना तां करनी पवेगी साधना करनी पवेगी थोड़ा खाना थोड़ा सौना तो इस प्रकार दे नाल तां जा के उह आत्मा दा सरूप साक्षात्कार हुंदा है। तो सतगुरु जी तां आप ही स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने गुरदेव नूं तां ना अमृत वेले उठण की जरूरत है ना सतगुरु जी सवेरे उठ के नितनेम करते हैं महाराज जी साधना च बैठते सतगुरां नूं इह सारे कर्मां की जरूरत नहीं है। वह साडे लई हुक्म करते हैं कि भाई जे असी कर रहे हैं तो तुहाडे सिखां वास्ते भी करन लई विहत ने जरूरी ने। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी बारे भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने अपनियां वारां दे विच कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर कोलों जिहड़ी बख्शिश सी उह तुर दरगाह तों ही लै के आए गुरु नानक साहब आप स्वयं परमेश्वर ने पर फिर भी गुरदेव ने रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुरकरी विछाई भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर सिंह बने आई भारी तपस्या महाराज सच्चे पातशाह जी ने की वह तप की मूर्त बन के गरीबन बाग साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने सिखां लई पूरने पाए हैं। तो कलगीधर जी का सरूप बड़ा तेजस्वी है बड़ा जलाल महाराज जी के चेहरे के उत्ते नज़र आ रहा है हर एक सिख महाराज जी के चरणों नूं परसना चाहुंदा है। रहे तूशनी ठाने अशेखा जिन्ने भी सिख ने कोई बोलदा नहीं बिल्कुल चुप ने और चुप चाप ही सतगुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। खालसा जी चुप रह के जो सतगुरां के दर्शन परसदे हैं गुरु की हजूरी विच आप ना बोलदिया होया वो बोल सुनने जो गुरदेव बोल रहे ने उहदे विच बड़ा स्वाद है बड़ा रस है नाले गुरु की हजूरी विच आ के कोई बात होर करनी नहीं चाहीदी अपनी दुनियावी हाँ बहुत कोई अति आवश्यक होवे जरूरी होवे तां उह भी संगत विच उठ के बाहर जा के कर सकते हाँ पर जदों कथा हो रही होवे कीर्तन हो रहा होवे उस वक्त कोई दुनियावी बात नहीं करनी चाहीदी आपस विच केवल गुर कीर्तन गुरु कथा दे विच ही जां गुरबाणी दा जो जाप हो रहा उहदे विच ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहीदा है। इत्थे जिन्ने भी सिख ने महाराज जी दे भारी तेज जलाल नूं वेख के चुप ने और मौन रह के चुप रह के सतगुरां दे दर्शन कर रहे ने। अदब साथ सुख चित होए दूर बड़े अदब नाल हर एक क्योंकि जिन्ना अदब रखांगे सतगुरां दा उतना ही अपने आप नूं सकुचित दा मतलब हुंदा भी शरीर करके कि किते मेरे शरीर कोलों गुरु साहब जी दी कोई अवग्या ना हो जावे बड़े सत्कार सहित सतगुरु जी दे कोल नमस्कार करके थोड़ा जा दूर हो के खलो जांदे ने। पाछे गमने संकत पूरे सतगुरु जी अगे अगे जा रहे ने ते जेड़े रस्ते च दर्शन करदे ने नमस्कार करके वह महाराज जी दे पिछले पासे हो जांदे ने गुरदेव अगे बाकी सारी संगत पिछे पिछे जा रही है। ज्यादा होनी चाहीदी अजकल दे नगर कीर्तना विच भी महाराज जी की पावन सवारी मूहरे होवे ते उस तो अगे निशानची नगारची ते पांच प्यारे साहबान फिर महाराज जी की पालकी फिर सारी संगत पिछे होनी चाहीदी है। पर अजकल कई बार अक्सर नगर कीर्तना दे विच मर्यादा का खंडन हुंदा वेख्या जांदा है जो नहीं होना चाहीदा। तो सतगुरु जी सब तो मूहरे हैं बाकी जिन्नी भी संगत है सतगुरु जी दे पिछे पिछे चल रही है बड़े अदब नाल बड़े सत्कार नाल चल रहे हैं। पए तुरंगम पारे असवार गुरदेव जी पहला पैदल चल के आए ने थले पहाड़ तो थले उतरे ने एकांत थां तो गुरदेव का घोड़ा सेवादार लियाए
उस घोड़े ते गुरु कलगीधर पातशाह जी सवार होए। नर कर दर्शन होवत लार। जितने भी नर ने जितने भी सिख ने सारिया दियां लैणा लगियां होईयां ने दर्शन करन वालियां दियां। संध्या समय होत लो आए। संध्या दा वेला सी, शाम पै चुकी सी। सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब नगर दे विच आए हन। आनंदपुर मैं होत बधाए। श्री आनंदपुर साहब विच संगतां च बधाइयां बज रहियां ने कि सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने किन्ने दारे बख्शे ने संगत नूं। महाराज जी ने अपना मनोरथ सिद्ध किया जो कलगीधर जी करना चाहते सन। वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे स्वरूप नूं साक्षात्कार किया अपने सनमुख। अकाल पुरख की आदि शक्ति नूं अपने सनमुख प्रगट किया है। इस करके गुरसिख बधाइया दे रहे हैं। श्री गुजरी टिग जिस नर कयो। एक सेवादार भज के माता गुजरी जी दे पास गया। माता जी कलगीधर स्वामी जी आ रहे हैं, दशमेश पातशाह जी आ रहे ने संगत नूं दर्शन दारे देंदिया। चित मैं चयो पदार्थ लयो। माता जी बड़े प्रसन्न होए जिस सेवादार ने आके दसिया। माता जी ने खुला ओदे मन भौंदे पदार्थ ओनू बख्शे ओनू दान दिता। तिमई दोनों महल आनंदे। इसे तरह सतगुरु जी दे दोनों महल सत्कार योग माता जीतो जी, सत्कार योग माता सुंदरी जी, ये दोवे महल गुरु कलगीधर पातशाह जी दे बड़े प्रसन्न होए। माता सुंदरी जी खालसा जी कलगीधर दे ज्योति जोत समावन तो बाद भी तकरीबन 40 साल दे तक दा नेड़े दा समा 39-40 साल माता सुंदरी जी ने पंथ की अगवाई की है। कलगीधर जी दे ज्योति जोत समावन तो बाद भी 40 साल तक दा समा माता जी संसार च शरीर करके रहे। जदों अज सुनिया आ गए ने कलगीधर स्वामी, बड़ी खुशी है माता सुंदरी जी दे हिरदे विच, माता जीतो जी दे हिरदे अंदर। तन पूखन दे वस्त्र बिलंदे। दान करदे ने अनेकां जाचक मंगते आके दान मंगदे आ मातावां जी माता पासों, ते माता जी तिन्हां नूं दान दिंदे हन, धन दा दान करदे हन, वस्त्रां दा दान करदे हन। पुत्र अजीत सिंह होए आगे। कलगीधर जी दे सब तो वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी अगे आए हन। पिछरे चिर के पित पग लागे। क्योंकि काफी दिनों तो महाराज जी तो विछड़े हुए, जाके कलगीधर जी दे दर्शन कीते महाराज जी दे चरणा ते। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह साहब जी ने नमस्कार कीती है, मत्था टेकिया है। जित देखें तित सहज सुभाए। कलगीधर जी जिस पासे भी अपनी निगाह करके तकदे ने सहज सुभाए, सुते सीधी वेखदे ने। लोक हजारों सीस निवाए। जिधर भी वेखदे ने कोई भी सतगुरां दी अखां च अखां पा के नहीं वेख सकदा। जिधर वेखदे ने महाराज जी दे अगे सारिया दे सीस झुक जाते हैं। जिस वल भी वेखते ने वह सतगुरां अगे सीस झुका लैंदा। इन्ना अदब ते सत्कार सिखां दे हिरदिआं विच सतगुरु जी का है। ये गुरदेव का अदब है, ये सतगुरां का सत्कार है। अज भी जदों असी सतगुरां दे सानमुख नमस्कार करन वास्ते आउंदे हाँ, सतगुरु जी दे सामने दर्शन करदा एकदम साडियां अखां बंद हो जांदियां हन। नमस्कार कार करदे आ, यह गुरदेव का अदब है, यह सतगुरां का सत्कार है जो गुरसिखां दे हिरदिआं विच है। जुझार सिंह तब चल आए। इहने नूं साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहब जी भी आ गए। संग जोरावर सिंह अरखाए। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह साहब जी आए हन। बंदन करत संग ही चले। अपने पिता गुरु कलगीधर जी दे चरणा ते वंदना करके नाल ही चल पे। अगे आए ने बाहर दर्शन करन लई महलां चों। उर नर नारी दरन होए खले। दे जितने ने अपने घर के दरवाजिया ते खड़े ने, सवारी लंघनी है ते असी सतगुरु जी दे दर्शन। अर बंदे अर निवाए।
के महाराज जी दे चरणा ते वंदना करदे ने और चरणा ते सीस झुकाउंदे हन सारे और तोर परखे बिस्मावे गुरदेव दे जेड़े अज दे महारले भाव ने ओ बड़े आश्चर्य ने जिन्ने भी सिख वेख रहे ने ना बड़े आश्चर्य रूप दे विच अज एक ऐसा विस्मादी स्वरूप है जेड़ा महाराज जी का सारे सिखां नूं दर्शन दे रहा है। कहन सुनन कैसो ने करई कलगीधर जी ने किसे नाल कोई बचन कहा सुनिया नहीं चुप चाप ही जा रहे ने नहीं तो अगे महाराज जी कहते सिखां नूं मिलदे पुछदे भाई की हाल है ठीक ठाक हो तू अज तां महाराज जी बोले नहीं ना ही कोई सिख बोलिया कि महाराज जी ने कुछ कहे सतगुरु जी भी चुप ने सिख भी ऐन चुप हो के बड़ी शांति नाल ठरमे नाल महाराज जी दे दर्शन कर रहे ने। रस भर द्रिग ने किसों निहारी रस भर के नेत्रां दे नाल किसे वल भी महाराज जी ने नहीं वेख्या यानी कि बहुत ज्यादा डूंगी निगाह नाल भरवी निगाह नाल महाराज जी ने किसे वल नहीं वेख्या। उदासीन सब सो रस एक महाराज जी एक ऐसी उदासीन विरति है जिसनू उपरामता दी विरति कहिंदे ने उस दे रस दे विच महाराज जी भिजे जा रहे हन। तेज उगर पे जलद बवेक जलद बवेक सतगुरां दा भारी तेज जो मेरे स्वामी दा अपना तेज है वह अज संगत नूं ऐन प्रतख रूप दे विच दिस रहा है जो सतगुरु जी दा अपना तेज है महाराज जी दी अपनी शक्ति है वह अज सारी संगत नूं सारे सिखां नूं प्रतख रूप दे विच नजर आ रहा है। पुर मैं मंगल अनेक प्रकारा संगत विच बड़ी खुशी है सिखां विच बड़ा चाह है श्री आनंदपुर साहब दे विच हर घर दे विच मंगलाचार हो रहे ने हर घर दे विच खुशियां मनाईयां जा रही ने। गुर आगमन जल्द जन पारा कहिंदे सतगुरु जी दा आगमन इस तरह है मानो जैसे किसी प्रकार की तपश भरी जगह ते मीह पैंदा होवे तपश भरी थां ते जिथे अत दी गर्मी होवे ते इत्थे मीह पै जे ते ठंड नहीं वरत जांदी इदां कलगीधर जी दे आउण नाल सारे आनंदपुर साहब च ठंड वरत गई है सिखां अंदर जिन्हां सिखां दे हिरदे गुरदेव दे दर्शनां तों बिना तप रहे सन क्योंकि पिछले कई महीनों तो गुरदेव ने तपस्या करड़ी साधना की अठ तप किया है तो तन होए संगत नूं अज दर्शन होए ने सारिया के हिरदे बड़े ठंडे ठार ते शीतल हो गए ने। महाराज जी दे दर्शन है नहीं ठंडे गुरु खालसा जी चन ओना ठंडा नहीं गुरु खालसा जी सर्दी की रुत भी ओनी ठंडी नहीं सुमेर पर्बत दे उत्ते पई हुई बर्फ हिमालया दे उत्ते पई हुई बर्फ भी उन्नी ठंडी नहीं जिन्नी शीतलता महाराज जी दे दर्शना विच्चों गुरसिख दे हिरदे नूं प्राप्त हुंदी है। तो कहिंदे जिवें किसे तपती भरी जमीन दे उत्ते तपदे हुए रेत दे उत्ते मीह पै जांदा ते ओह ठंडा हो जांदा ना एदा गुरसिखां वास्ते सतगुरु जी दे दर्शन मी बन के बरसे हन। जल प्रमोद को बो बरखायो आहा कहंदे खुशी दा मी बरसया खुशी दा पानी जल है जेड़ा सारे सिखां नूं प्राप्त हो रहा है। तपत होती ऊपर रह छायो कहंदे जिवें जेड़े पहला धुप दे विच तप रहे सी ना मानो ना उत्ते सतगुरु जी दे दर्शनां दी छां आ गई है तपत दे विच महाराज जी ने ठंड बरता दित्ती है। मंदर सुंदर अंदर गए सोहणिया मंदरां विच जिथे गुरदेव दे पावन महल ने अपने महलां विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए हन। चारू सिंघासन बैठत पए गुरदेव जी दा बड़ा सुंदर सिंघासन है उस सिंघासन ते आण के महाराज जी बैठे हन। पंचामृत कर कर प्रत होवा हर सिख ने अपने घर विच कड़ा प्रसाद दी देग तैयार कीती है देगा घरों तैयार करके महाराज जी दे पावन दरबार विच लै के आए हन। अत प्रिय गुर को दर्शन जोवा अत प्रिय सतगुरु जी दे दर्शन जो सिखां नूं अति प्रिय हन अति प्रिय दा मतलब बहुत ही प्यारे
सिखा नू सतगुरु जी दे दर्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। आतप्रया दर्शन महाराज जी दे जाके सिखा ने किते ने, कड़ा प्रसाद दियां देगां तैयार करके गुरसिख घरां तो लैके आए हैं। आन करावत सिखी अरदास, देगां भेट करके महाराज जी दे चरणां विच सिख अरदास बेनती करदे हैं। करें तूशनी बैठे पास, और चुप चाप हो करके बड़ी शांति दे नाल, बड़े ठरमे दे नाल सिख महाराज जी दे दर्शन करन लई कोल बैठदे हन। दीपक माला सब इन करी, खालसा जी जिहड़ा खुशी प्रगट करन दा तरीका है भारतीय संस्कृति तों इलावा बाहरलियां विदेशां दे विच वी अपनी खुशी नूं प्रगट करन दा जिहड़ा तरीका है उह रोशनी करके हुंदा है, दीपमाला करके किते मोमबत्तियां जगा के करदे है। अजकल जिवें आ बिजली दियां जिहड़ियां लाइटां ने इह जगा करके उहदे नाल दीपमाला करके अपनी खुशी नूं जाहर करन दा प्रगटावा करदे ने। तो इह हिंदुस्तान दी धरती दा भी इही विधान है, क्योंकि अध्यात्मक जगत दे विच भी जिथे आत्मा दा साक्षात्कार हुंदा है ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਹਿ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਸੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝਿਲਮਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਿਅੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਦਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਨਾਸਕਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਹੈ। ਈੜਾ ਔਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਭਿਅੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਪਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਢ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਕਵਿਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਲਿਕਵਿਡ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੈਠਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਾਧਨ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੁ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ
महीने दो महीने बाद जिमें जिमें उपर उठती है वो थले जी गैप हों खाली जगह होंगी मास भरना शुरू हो जाता है। चलद्या चलद्या वह कुंडलनी जदों बिल्कुल सुषमना नाड़ी के थले आ जाती है जेदे लिक्विड भरिया हों थले जदों सुषमना नाड़ी का मूँह आता है तो उस वक्त वो एक प्रैशर निकलता एक योजी शक्ति उपर उठती है तो जिहड़ी साडी आ गर्दन दे कोल गंढ हुंदी है ना जिसने वो लिक्विड रोकिया हुंदा उत्ते जाण तों वह गंढ टुट जांदी है वह लिक्विड फिर उपरले पासे दसम द्वार दे विच जदों चल के साडे अखां दे पौहां दे विचकार इत्थे एक होल है जिसनों सैंस भी मनदी है इत्थे आ के फिर वह लिक्विड जिहड़ा उह पहुँचदा है वो इत्थे जदों लिक्विड पहुँचदा साडी उस रीढ़ दी हड्डी दे विचों दी जिहड़ा सुषमना नाड़ी दे द्वारा इत्थे फिर जदों जोर पैंदा है उदे विच्चों फिर वो जिहड़ी बूंद है वो डिग के फिर साडे साडा नाभी जिहड़ी हुंदी है पेट दी तुन्नी इहदे विच डिगणी शुरू हो जांदी है वो लिक्विड दी एक एक बूंद करके। हुण इत्थे पाणी है उत्ते नाभी दे विच पाणी है उत्तों जिहड़ा लिक्विड है वह भी पाणी है। हुण पाणी दी बूंद जदों उस पाणी दे विच डिगदी है उस लिक्विड दी तरल पदार्थ दी ते उदों जदों बूंद डिगदी एक आवाज़ आउंदी है एक बूंद डिगी पिछों फिर दूजी डिग पई फिर तीजी लगातार इदां ओ जिहड़ी आवाज़ है उहनू कहा जांदा अनहद नाद वो बिना बजाया वजदा ना वो लगातार निरंतर उहदियां आवाज़ां कई तरका प्रकार दियां हुंदियां ने उहनू अनहद नाद कहिंदे हन। ते आम करके योगी लोग की करदे सी उस जिहड़ा लिक्विड नू जिहड़ा इत्थों डिगदा है मत्थे दे होल तों अपनी जीभ नू लम्मी करके खेचरी करदे सी वो संघ दे विच पिछे जीव नू कर लेंदे सी उत्तों जिहड़ी उह बूंद डिगदी सी उहदा स्वाद लैंदे रहिंदे सन। इह साधना केवल इत्थे तक ही उलझ के रह जांदी सी अगे निसन वधदे ब्रह्म तक साक्षात्कार नहीं सी हुंदा। और फिर जदों उह हुण लगातार एक सर्कल चल पिया पिछों लिक्विड उठिया कुंडलिनी पिछों प्रैशर दिंदी चली जांदी है वह जिहड़ी सुषमना नाड़ी दे विच भरिया होया लिक्विड है वह जदों इत्थे साडे बूंद 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 करके नाभी दे विच डिगदा इदा एक सर्कल चल पैंदा वह सर्कल जिहड़ा वह जदों चलदा तो उहदे विच एक शक्ति पैदा हुंदी जदों पाणी दा सर्कल चलदा तो बिजली नहीं पैदा हुंदी पाणी दे सर्कल विचों पण चक्कियां हुंदियां उहदे विच बिजली पैदा हुंदी है इदा ही एक ऊर्जा पैदा हुंदी है उस ऊर्जा दे नाल फिर आ स्थूल शरीर छड के मनुख सूक्ष्म शरीर नू बाहर कढ के जिथे मर्जी भ्रमण कर सकता है। तो इस प्रकार दियां इह प्रक्रियावां हन तो यह प्रक्रियावां केड़ी पंक्ति चली अत प्रिय गुरदर्शन गुरसिख जिहड़ा है वह केवल इसे प्रक्रिया विच नहीं उलझिया रह जांदा गुरसिख ऐसी साधना दे विच परपक हुंदा है कि सुते सिद्धि कुंडलनी सुरजी सतसंगत गुरबाणी का महावाक है योग की प्रक्रिया नाल जां छे चक्रां नू पवन द्वारा विन के उस तरीके दे नाल गुरसिख कुंडलनी नहीं जगांदा। गुरसिख का लक्ष्य तां केवल ब्रह्म है उस ब्रह्म दे विच ही अपनी सुरत नू अभेद करदा है सतगुरु जी दे दर्शनां दे विचों गुरसिख नू इह सारा सुख प्राप्त हुंदा है। मेरी विचार चल रही सी कि तह झिल मिल कार दसंता तह अनहद शब्द बजंता उत्थे कहिंदे झिल मिल जदों आ प्रक्रिया हुंदी है उत्थे एक प्रकाश पैदा हुंदा बिजली पैदा हुंदी है वह कहिंदे आ बड़ा ज़्यादा उहदी रोशनी हुंदी है फिर वह अनहद शब्द बजदा है। इसे करके अज भी अपनी खुशी नूं प्रगट करन लई मनुख रात्रि दे समय दीवे जगाउंदे ने दीपमाला करदे ने दीपमाला करके फिर आ ढोल वजा के साज वजा के वह नाद बजा करके अपनी खुशी नूं जाहर करदे ने भी ये खुशी का प्रतीक है। दरअसल ये प्रेरणा अंदरों ही प्राप्त होई है ये घटना मनुख दे साधना करदे अंदरों ही घटदी है। तो इस प्रकार नाल कहिंदे हुण जिन्ने भी आनंदपुर साहब दे वासी ने अपनी खुशी नूं किवें प्रगट कर रहे ने सारे आनंदपुर साहब नगर दे विच दीपमाला करके घरां दे विच दीवे जगा के दीवारां दे उत्ते दरवाजियां दे उत्ते सिखां ने दीवे जगा के रख के दीपमाला कीती है। घर घर के शिखरन पर तरी घर घर दे सिखरां दे उत्ते जिहड़े कोठियां दियां छत्तां दे उत्ते जिहड़े बनेरे हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨੌਬਤ ਬਾਜਤ ਦੀਰਗ ਪੋਰ, ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਖ ਨਫੀਰਨ ਕੇ ਗਨ ਸ਼ੋਰ, ਸੰਖ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਪਾ ਨਗਰ ਮਜਾਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੈਕਾਰ, 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 ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਇਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਕਰ ਗੁਰਬਾਤੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤੀ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੋ ਦਾਤਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਭ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤਣ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਭ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੀਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਤਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਦਾਤਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਾਤਣ, ਦਾਤਣ ਨੀਤ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਦਾਤਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਭ ਅੰਗ ਸਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਲੈਣ ਹਾਰ ਜੇ ਧਨ ਗਨ ਆਏ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਹ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭ ਕੋ ਦੀਨਸ ਦਾਨ ਕਨੇਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਪੱਟ, ਕਲਾਵਤ, ਢਾਡੀ, ਡੋਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਸਭ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਵਾਈ ਜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਜਗ ਕਰ ਬੇਕੋ ਦਇਓ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਯੱਗ ਕਰੋ। ਯੱਗ ਕਿਹੜਾ? ਭੋਜਨ ਦਾ।
लंगर चकाओ सारे महापुरशां साधुआं नूं सद के जिन्ने गुरसिख ने सारियां नूं सद्दा भेज के खालसे नूं सद के सूरमियां नूं सद के सब नूं भोजन चकाओ। वड्डा ब्रह्म भोज का मतलब जिहदे च सारे ब्रह्म का मतलब ये नहीं भी जिहड़े ब्राह्मण ने उही आ के भोजन छक सकदे, इहदे अर्थ जिहड़े ने उह गलत लाए गए भी ब्रह्म भोज भी इहे जी जिहड़े ब्राह्मण ने उह आ के भोजन छकण। ब्रह्म का मतलब हुंदा व्यापक, सारे आ के जिहदे विच साधु महात्मा उह चाहे किसे जाति दे होण, किसे धर्म दे होण, किसे मजहब दे होण, सारियां नूं बिठा के भोजन छकाउणा। तो इस तरह का यज्ञ महाराज जी ने भोजन का कीता है। अनक आहार सनिगदै भयो, हुकम दे नाल सतगुरां दे अनक प्रकार दे भोजन तैयार होए। सनिगद घ्यो वाले जिहड़े पदार्थ ने उह बणे हन। उपपूर का बो पंचामृत, वाले सनिगद घ्यो वाले तेल वाले पदार्थ जिवें पूड़ियां पूड़े कचोरियां जिहड़ियां तल के बनाईयां जांदियां ने वस्तुआं पकवान उह तैयार होए। विप्रसाद बोले पट जित कित, जिन्ने भी गुरसिख सन महापुरश सन साधु सन ब्रह्म नू जानन वाले ब्राह्मण जिहड़े ब्रह्म नू जान लैण उह ब्राह्मण है। ब्राह्मणा दे घरे जम्मिया ब्राह्मण नहीं हुंदा, जो ब्रह्म नू जान लवे उह ब्राह्मण है। गुरमत दा इह सिधांत है, ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्मत रहै। एक शब्द लिव लाए उन्हां सारयां नूं सद्दे भेग दित्ते कि आओ भाई सारे गुरु के लंगरां च भोजन छको। मन भावत भोजन को खायो, मन भाउंदा सारयां ने आके भोजन छकिया है। अधिक दान सब इनको पायो, गुरदेव ने दान भी दिता सारयां नूं जिहड़े भोजन छकण आए ना, उन्हां सब नूं गुरदेव ने दान दे के नवाजिया। भिख उदारता गुर उर केरी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी वड्डी भारी उदारता वेख के। बिस्म कुबेर सुमेर बडेरी, जिहड़ा धन दा देवता कुबेर है ना उह भी हैरान है कि मेरे कोल भी इन्ना धन नहीं दान करन नूं जिन्ना कलगीधर जी कर रहे ने, उह भी हैरान है। महाराज जी की उदारता नूं वेख के सतगुरु सच्चे पातशाह किन्ना भारी दान जीवां नूं दे रहे ने। जे रुख कर इत को बल तरे, जे रुख करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिस ते भी अपना हाथ धरदे हन। हम को लट बांट बो करे, हम को लट बांट बो करे, हम को लूट कहिंदे उह वेख के ना कुबेर भी डरिया होया सहमिया होया भी इह सारा कुछ दान करके किते गुरू साहब मैनू भी ना लुट लैण, ते मैनू लुट के मेरा जिन्ना धन है उह भी खोह के किते आखणे भी मैं देण लगा अपने सिखां नूं अपने सेवकां नूं, क्योंकि धन दा देवता मन्निया कुबेर कहा जांदा है। इह हैरान हन। भयो कुलाहलपुर मैं भारी, सारे नगर दे विच श्री आनंदपुर साहब दे अंदर भारी कुलाहल हो रहा है। दिज केशव तब नहीं बुलायो, केशवदास दौड़ गया सी उदों जदों महाराज जी ने अकाल पुरख नूं प्रगट कीता, शक्ति नूं प्रगट कीता। केशवदास दौड़ गया सी उदों पहलां ही अपना पखंड उगड़दा वेख के, ਉਹ ਰਹਿ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਜ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀ ਬੈਠਾ, 1,25,000 ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਘਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਚਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
केशोदास ने इस गल का बड़ा गुस्सा मनाया। बिदतन समय झूठ कर आयो। जदों महाराज जी की आदि शक्ति ने प्रगट होना सी उस वेले केशोदास पहले ही दौड़ आया सी भज के डर के। तिन सुन अधिक रूस बोली ना। उन्हें बड़ा रोस किया मन विच, बड़ा गुस्सा मनाया इस गल का भी जे तेनू नहीं सद्या ते तू आपे पहुंच जा। उत्थे गुरु साहब ने तो सारयां नू कहा भी लंगर लगना, ब्रह्म भोज आ, आ जाओ सारे, भी तू कोई उचेचे तौर पर थोड़ी तेनू सदा पत्र न्योंदा लिख के भेजना सी भी आओ केशोदास जी, भी तेनू वी आई पी पास देना सी पहला भी आ तू पहला बह जा। सतगुरु जी लई तां सारे समान ने, कोई महात्मा साधु लंगर विच आ जे सब नू चुकाउणा ते, पर इहने अपने मन च रोस जिहा कीता होया के मैनू गुरु साहब जी ने नहीं बुलाया। मोए ना हकारे हो ए क्या कीना। कहते भी मैनू बुलाया ही नहीं गुरु जी ने, आ की कीता है। श्री अंतर जामी सब जानी। गल की तर अंतर जामी जी जानी जान जानगे भी केशोदास मन च इदा सोच रहा साढ़े बारे भी गुरु साहब ने मैनू बुलाया नहीं, तो वह अपने मन च रोसा करी बैठा। जानी जान सतगुरु जी जान गए। नंद चंद सो गेरा बखानी। महाराज जी ने अपने दीवान नंद चंद जी नू हुक्म कीता, नंद चंद जी जाओ जाके केशोदास नू सद लियाओ। अब पंडित को आन हकारी। ते पंडित नू सद लियाओ साडे कोल ते ओनू आख्यो अस कहो बिसर गयो तिस बारी। के पंडित जी तुहाडे बारे तो भुल ही गए से भी तुसी भी इत्थे हो, असी ते आख्या से भी तुसी चले गए हो किते लुक छिप गए हो मुड़ के दिसे नहीं, ते तुसी इत्थे ही हो ये सानू पता ही नहीं सी, भुल गए सी असी तुहानू सद्दा देना। इत्थों ये पता लगता है कि केशोदास नू महाराज जी ने कोई अहमियत नहीं दिती। कलगीधर पातशाह जी का ये अपना चोज सी जो महाराज जी ने वरताया, और इहदा जिक्र गुरदेव ने अपनी बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब दे विच भी कीता, अगे वह कथा आ जानी है। जदों महाराज जी ने लिखे जो कुछ लेख लिखियो बिदना सोई पाइत मिश्र जू शोक निवारो, हमारो किछु अपराध नहीं गयो याद ते भूल ना कोप चितारो। ये वचन दसम ग्रंथ साहब च महाराज जी ने खालसे महिमा के शब्दों में लिखे ने। तो गरीबन बाग साहब सच्ची पातशाह जी ने नंद चंद जी नूं कहा कि नंद चंद जी तुसीं जाओ और जा करके केशोदास नू कहो भी तुसी भी आ जाओ पुरश भोजन छकन, तो यह भी आख्यो भी गुरु साहब भुल गए सन तुहानू बुलाउणा, सानू नहीं सी पता भी तुसी इत्थे ही हो, असी सोचिया भी किते उत्थों लुक छिप के दौड़ गए होणगे भज गए होणगे ते तुसी इत्थे ही जे ते पर भुल गए तुहानू बुलाउणा। सुन कर हुक्म गुरु को ऐसो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी का यह हुक्म जदों केशोदा भाई नंद चंद जी ने सुनिया। तैं गमनियो जै पंडित बैसो। पंडित केशोदास नू रिहायश दित्ती होई सी पिछले दस ग्यारह महीनियां तों रह रहा सी जिथे, उत्थे नंद चंद जी गए पंडित दे कोल। दिज जू सतगुर तुम्हें हकारा। आख्या पंडित जी सतगुरु कलगीधर जी ने तुहानू सद्या, दसवें पातशाह जी महाराज जी ने तुहानू बुलाया। सैत दक्षिणा लियो आहारा। चलो चल के तुसी भी भोजन छक लो, महाराज जी का भोजन वरत रहा लंगर वरत रहा, गुरसिख छाकटे ने महाराज जी के सेवक छाकटे ने, ते तुसी भी चलो चल के छक लो। पिपर कयो अब होने जावो। ये अगों खिजिया बैठा सी रुसिया होया, कहिंदा जी मैं नहीं हुण जाना। नहीं सो भोजन मुख मैं पावो। ते ना ही मैं हुण उत्थे जाके भोजन अपने मुख विच पाउणा। प्रथम बिपर सिख साध जीवाए। गुरु साहब ने पहला होर बहुत सारे साधुआं सिखां नूं ते होर बहुत सारे जिहड़े ब्राह्मण भी हैं उन्हां नूं भी महाराज जी ने पंगत च बिठा के भोजन छकाया। पाछे ते मुझ बोल पठाए। मैनू बाद विच सद्दा भेजिया, मैनू भी पहला सद दे, बाकी सारयां नूं सद्दे दे के बुलाया, जिन्ने भी सिख साधु महात्मा सारयां नूं सद्दे दित्ते है, मैनू क्यों नहीं सद्दा दित्ता, मैनू पहला क्यों नहीं सद्दा भेज के बुलाया, मैं नहीं हुण बाद विच उन्हां दा जूठा खाणा, वो पहला खा हटे ने हुण जिहड़ा पिछे बचिया हुण मैं खावां जाके। कहिंदा मैं नहीं खाणा, मैं बड़ा उत्तम जाति का ब्राह्मण हाँ। सहे न जाए
विपरीत बडेरी ए बड़ी विपरीत बिरती है मेरे कोलो ए नहीं सही जांदी तो मुख्य सुध नै तिस केरी जेड़े होर कई ब्राह्मण गुरु साहब दे लंगरां विच उत्थे गए ने भोजन छकन मैं उन्हां सारियां चो मुखी सी ते मैनू बुलाया ही नहीं मैनू खबर भी नहीं दित्ती कर्म जे उत्तम जगत मजारी इस जगत दे विच जेड़े उत्तम कर्म हन सर्ब बिखे हम रहते अगारी पूरे संसार हिंदुस्तान दे विच जिथे भी कोई चंगा कर्म हुंदा है जां कोई यज्ञ हुंदा है सब तो पहला सानू सद्दिया जांदा है सब तो पहला मेरे वर्गे जेड़े उच्च जाति दे ब्राह्मण ने विशेष ब्राह्मण ने वह बुलाए जांदे ने ते गुरु जी ने तो साड़ी कोई परवाह ही नहीं कीती गुरु साहब ने अगे सारे बचन खोल देने हैं कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे पंडित जी साडे वास्ते तो साडे सिख ही ने सब कुछ बाकी तुहाडे वर्गे ब्राह्मण होण कोई होवे बड़ा वड्डा उच्चा ही क्यों ना होवे सब बाद विच पहला मैनू मेरे सिख ने आखो सतनाम श्री वाहिगुरु तो ये महाराज जी ने विखाणा सी दसना भी सी उस वेले दे ब्राह्मण समाज नू क्योंकि ब्राह्मण महाराज जी ते इदां आके बचन भी करदे सी भी गुरु साहब सानू तुसीं दान पुन्नी नहीं करदे असीं छत्रियां कोलों दान लै के साडा रोजी रोटी दा प्रबंध चलदा ते साडा हुण दान तुसीं बंद ही कर छड्डिया ते कलगीधर जी ने आख्या भी साडा दान तां साडे सिखां नू दित्ता ही फली भूत हुंदा वो भी बचन अगे उचारण करने आ सतगुरां ने वो दसम बाणी दे विच बचन खालसे की महिमा दे विच दर्ज ने तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बारे हुणे रुसिया होया कह रहा है कहण लगा सारे जगत दे विच जिन्ने भी उत्तम कर्म हुंदे ने उहदे विच असी सारियां तो मूहरे हो के रहिंदे आ ते गुरु जी ने सानू पिछे कर छड़िया अब पश्चाती के मने जाओ हुण सानू पिछे कर दिता ते मैं हुण सब तो पिछे उन्हां तो कोल किवें जावां अचन असन ब्रह्मत लजाओ जे मैं हुण जाके भोजन छकदा ते मेरा तां ब्राह्मण पुणा लजाए मान होवेगा लोकां च गल फैलेगी ते जेड़े लोक मैनू पहला सारे तो बुलाउंदे ने वह भी आखणगे भी गुरु जी ने भी तैनू बाद च सद्दिया सी असीं भी बाद च सद्दिया करांगे मेरी तां इज्जत खत्म हो जाएगी मेरा तां ब्राह्मण तब जेड़ा है वह लजाए मान होवेगा निज गुर टिग कहिए अरदासा नंद चंद जी तुसीं गुरु जी दे कोल जाओ और उन्हां दे कोल जा के मेरे वल्लों अरदास कर दिओ बेनती कर दिओ तिज ने आए तुमरे पासा आख दिओ गुरु जी नू के महाराज केशोदास जी नहीं आउंदे आप जी दे पास वो नाराज हन वो नहीं आउंदे आप जी दे कोल एदां जा के कह दिओ सुन कै नंद चंद कै बानी दीवान नंद चंद जी बोले कहण लगे केशोदास जी सुनो तीरज तरिए तुम गुण खानी तीरज रखो पंडित जी हो तुसी विद्वान हो ते अपने हृदय च तीरज रखो गुणा दी खान बनो तजो कोप तब रहे न यादू गुस्सा करन दी की लोड़ है गुरु साहब नू याद नहीं रहे तुसी नहीं चेते आया तुसी उत्थों पहला दौड़ भज गए सी देवी प्रगट होने तो पहला ही चंडी प्रगट होने तो पहला ही ते नहीं याद रहा तुहाडे बारे भी तुसी कित्थे सी कित्थे नहीं ते हुण तुसी किस गल दा गुस्सा करदे हो ये रोस छड्डो क्योंकि जेड़ी गल उदा सिमरती चो निकल जाण बुझ के करे कोई गल वखरी हुंदी है गुरु पातशाह कह रहे ने गयो याद ते भूल जे सतगुरु जी कह रहे ने ते बिल्कुल सही कह रहे ने भी भुल गए सी याद चो चेते नहीं रहा तुहानू सदना तुहानू बुलाउणा तो इहदा मतलब तुहानू इस गल दा रंज नहीं करना चाहीदा हाँ जाण बुझ के ना बुलाउंदे फिर गल वखरी सी ते हुण तुसीं अपने मन का गुस्सा छड्डो ते सतगुरु जी कोल चलो केशोदास ने फिर उत्थों वो ये भी भाई नंद चंद जी कहिंदे उहदा परमेश्वर ने अकाल पुरख का आप स्वरूप ने उहनां नाल कहदा रोस रखना होया तो सुन के केशोदास कहिंदा भी गुरु साहब तां कहिंदे सानूं परमेश्वर आखणा नहीं तुसीं उहनां नूं परमेश्वर कहिंदे हो उह तां कहिंदे जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड मैं पर हां भाई नंद चंद जी उहदा जवाब दे रहे ने वो कथा आप जी अगलिया प्रसंगा विच सरवण करोगे दशमेश पिता सरबंस दानी गुरु कलगीधर जी का पावन इतिहास कथन करदे आ होईयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ